महापर्व छठ के कहानी लेके आ रहा हलवानी। कैसे कैसे ना मैया के रोटा हवा चढ़े हो कि कैसे कैसे ना। दरस दिखाई है दीनानाथ 11 नवंबर से सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डिशम पर। नमस्कार, हम वानी यश कुमार और रउआ सब देख रहा वानी डिशम पर चले वाला खास भक्तिमय कार्यक्रम जौना के नाम बा दरस दिखाई है दीनानाथ। दरस दिखाई है दीनानाथ के आज तीसरा दिन बाटे और सही कहल जाओ तो छठ व्रत रखे वालन का आज फाइनल दिन बाटे जौना के इंतजार पूरा साल से हमनी के करे नहीं जा। उ दिन हवे कि आज पहला बेर डूबते हुए सूरज का पूजा होई, जौन सूरज जौन सूर्यदेव अस्त होत रही है उनका पूजा कल जाई हमन के, ओकरे बाद से काल बिहाने सूर्य उदय के पूजा होई। हिंदुस्तान ही ना पूरा विश्व में अगर हमन के देखल जाओ तो सूर्यदेव के पूजा सिर्फ तभी होला जब सूर्यदेव बिहने बिहने पूरब की दिशा से उदय होले। लेकिन जे भी छठ पर्व मनावेला उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड या विश्व की कोना भी कोना में जे भी छठ के महापर्व मनावेला छठ व्रत मनावेला उ लोग डूबते हुए सूरज का पूजा करेला लोग अस्त होते हुए सूर्यदेव का पूजा करेला लोग एकरी पीछे को पौराणिक कहानी बाटे। वो पौराणिक कहानी का बाटे ये हम रउआ सबके बताए, लेकिन ओकरा पहले हम एगो चाहब कि एगो बहुत बढ़िया छठी माई के भजन हो जाओ रउआ सब खाते। तो छठी माई के ऊ मधुर भजन लेके आ रहा बने आप सबका चहेता अरविंद अकेला कल्लू। अरे दया करी दिन कर उगी है दिवा कर देखी भैले भोर भीनुसा। अरे भोर ही से जला बीच खार सब तिवैया कर तारी देखी ना गुहार उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ। कके उपवास सभे भूखल परबिया मन व्याकुल देवेला रघिया। कके उपवास सभे भूखल परबिया मन बाबिया कुल देवेला रघिया। अरे रथ चढ़ी आई जानी देरिया लगाई अब झलक देखाई एक बार। अरे भोरा ही से जल बीच खाड़ सब तिवैया कर तारी देखी ना गुहार उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ। Thank you.
जय हो छठ मैया जय हो। छठ ऐसन पर्व ह कि दू बार अर्घ देवे खातिर जल में जाही के पड़ेला और ऐसन कड़ाके की ठंड रहेला कि बर्ती लोग बार बार निहोरा कर ला लोग कि जल्दी से सूरज देवता आईती कि हम अर्घ दे के यापन छठ पूजा के जौन त्योहार बैकरा के सफल बने थी। कैसे निहोरा करते रही हाथे काला सूप लेके बाटे सब खड़ हो थर थर शरीर का पेला गतावे जड़ हो हाथे काला सूप लेके बाटे सब खड़ हो थर थर शरीर का पेला गतावे जड़ हो आरे दरा सदे खाई बदरी चिर बहरियाई आदित्य बरा तीन पकड़ी उपका आरे भोरा ही से जला बीच खार सब तिबैया कर तारी देखी ना गुहार उगी हे दीनानाथ 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 उगी हे दीनानाथ। राम सबनी सूरज भगवान की। अरविंद अकेला कल्लू के परफॉर्मेंस के पहले हम रहुआ सबसे एगो चर्चा कैले रहनी कि सूर्यदेव के पूजा साझी के वक्त काहे होला। कहे से कि सभी सूर्यदेव के उगत सारी पूजा करेला और जब सूर्यदेव उदय होले तबे पूजा करेला लोग, जब अस्त होले तो केवल पूजा ना करेला। लेकिन ये पूजा के पीछे एगो पौराणिक कहानी बा। वो पौराणिक कहानी ये बाटे कि एक वक्त में चारों दिशाओं में ऋषि मुनि के टाइम में राजा देवता लोगों के टाइम में सिर्फ असुरन के राज रहे। असुरन से युद्ध करे खातिर देवता लोग आगे आए लोग और देवता लोग अपना सेनापति के रूप में चुनल लोग कार्तिक के। कार्तिक यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र के। अब पुत्र चल देना युद्ध पर माता जी के चिंता भइल यानी कि पार्वती मैया के। पार्वती मैया अस्ताचल सूर्यदेव के पूजा अर्चना कैली। अस्ताचल मतलब अस्त होखे वाला सूर्यदेव के। रात भर जंग चलल रात भर युद्ध चलल और सुबह जौन बाटे सूर्य उदय भइला की पहले युद्ध खत्म भइल और कार्तिकेय जी विजय हासिल कैन। तब माता जी खुश होके पार्वती माई उदयांचल मतलब उदय होखे वाला सूर्य के पूजा कैली। तो ओ समय से सूर्य जब अस्त होला तब और सूर्य जब उदय होला तब सूर्य देव के पूजा के शुरुआत वही समय से भइल रहे। तो एक बार प्रेम से बोली सूर्य देवता की। ते पौराणिक कहानी के बाद हम फिर से बुलावे जा रहल बानी एगो गायिका के जेकर नाम बाटे दूजा उज्ज्वल। दूजा उज्ज्वल के एक गाने के बाद हमन के लिहल जी एगो छोटा सा ब्रेक और हुआ सब कहीं मत जाए बनल रही हमन के संगे। कहे से कि आज के दिन सबसे खास दिन वे भैया बड़ा काम के दिन बाटे देखत रही एक से बढ़ के एक गाना। ड्राइवर जी जजानिया खुलाई जी भीड़ बट भारी गाड़ी धीरे से चलाई जी ए जी एहो ड्राइवर जी जजानिया खुलाई जी भीड़ बट भारी गाड़ी धीरे से चलाई जी छोटी माई के जय जय से गूंजती लगावा छोटी माई के जय जय से गूंजती लगावा देखी आरा पटना घटिया पे बड़ा धक्का देखी आरा पटना घटिया पे बड़ा धक्का देखी आरा पटना घटिया पे ए
सब पूजा करे माई के माथा बाप दौरा उठाई के देहो जात सब पूजा करे माई के माथा बाप दौरा उठाई के सच कही छूटत खूब बम पड़का बा सच कही छूटत खूब बम पड़का बा त देखो दे मुंगा छपरा के गटिया बड़ा धक्का बा देखो दे मुंगा छपरा के गटिया बड़ा धक्का बा देखो दे मुंगा छपरा के गटिया महापर्व छठ के कहानी लेके आ रहल बानी गाना जुठरले हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटा हवा चढ़ी हो कि कैसे कैसे ना दरस दिखाई है दीनानाथ 11 नवंबर से सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डिशम पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से रहुआ सबके स्वागत बाटे रहुआ सबे देख रहा बानी ढिशुम के खास भक्तिमय कार्यक्रम जोना के नाम बाटे दरस दिखाई है दीनानाथ आज के दिन छठी मैया के और सूर्य देव के याद करके जवन भी मनोकामना मानल जाला जवन भी आग्रह कल जाला निवेदन कल जाला छठी मैया और सूर्य देव अपना भक्त के अपना हर भक्त के वो मुराद और ख्वाहिश के पूरा करेला लोग जवन मुराद जवन ख्वाहिश रख के छठ का व्रत कही जला छठ के उपासना कही जला सूर्यदेव के उपासना कही जला तो हम मंच पर अगला गायिका के बुलावे जा रहा वानी जॉन एगो भक्तिमय गाना से आप सबके भाव विभोर करिए उनके नाम बाटे खुशबू उत्तम दिया इलमा माटी में जाके मिटाएगा
पेनल्टी एक अंतरा और गाएंगे। चलिए रेडी, म्यूजिक पार्ट से उठा लेंगे। लगता है म्यूजिशियन लोगों को भूख लग गया है। आई सर रेडी, सही है, सही बात है ना। लोली आइए म्यूजिक। वाह, खुशबू उत्तम के जन मधुर भजन रहल हवे, ओकरा के सुन के मन प्रफुल्लित हो गई। अगर हमार मन प्रफुल्लित भइल बाटे त हम पूरा उम्मीद करतानी कि इस समय ढिशुम चैनल के सामने जितना भोजपुरिया दर्शक लोग बैठल बा, लोग जितना भोजपुरिया हमार चाचा चाची
मामा मामी और भैया भौजी लोग बैठल वालों सब जनी भक्ति से भाव विभोर हो गई हुई लोग तो चली ऐसे भक्तिमय गाना खातिर भक्तिमय पेशकश खातिर मंच पर आमंत्रित करे जा रहा वानी एगो खूबसूरत बहुत ही प्यारी सी गायिका के जेकर नाम बाटे सोना सिंह। जोड़ी कल सुख माले ले
चली रहुआ सबसे हम एगो बात पूछा था नहीं, वैसे तो हमके पूरा उम्मीद बटे कि रहुआ सबके पता होई कि व्रत करे खाते अर्घ देवे के टाइम में हमन के जौन व्रती लोग रहे लालो कमर भर पानी में खड़ा होके पूजा अर्चना करे लालो। कमर भर पानी में कहाँ खड़ा हो लालो हमके पूरा पता बटे कि रहुआ सबके पता होई, और नहीं खे पता तो कोनो टेंशन के बात नहीं खे, कहाँ से कि जब हमन के पौराणिक कहानियन का शुरुआत कर दिल बन जाते एहू पौराणिक कहानी पर प्रकाश डाल जाए। लेकिन लिहल जी एगो छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाई, बनल रही हमन के संग और देखत रही खास प्रोग्राम जेकर नाम बाटे दरस दिखाई है दीनानाथ। महापर्व छठ के कहानी लेके आ रहल बानी। गाना जूठर ले हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटा हवा चढ़ो हो कि कैसे कैसे ना। दरस दिखाई है दीनानाथ 11 नवंबर से सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डिशम पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रहुआ सबके स्वागत बाटे, रहुआ सब देख रहा बानी ढिशुम के भक्तिमय कार्यक्रम दरस दिखाई है दीनानाथ। ब्रेक पर गैला से पहले हम रहुआ सबके पूछले रहनी कि काहे के लोग पानी में खड़ा होकर के कमर भर पानी में खड़ा होकर के पूजा करेला। दरअसल महाभारत में एगो योद्धा रहले जौन महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा रहले, उनके सामने केहू के पराक्रम भी फेल हो जावे भैया, वो महावीर वो महापराक्रमी के नाम रहे दानवीर कर्ण। दुर्योधन कर्ण से मित्रता कैला की बाद कर्ण के अंग देश यानी कि आजकल के भागलपुर के राजा बना दे। महाभारत में पांडव के मां कुंती और सूर्यदेव के पुत्र रह ले कर्ण। कर्ण अपन इष्ट देव अपना पिता सूर्य भगवान के माने और रोज शाम के कमर भर पानी में खड़ा होके रोज सुबह कमर भर पानी में खड़ा होकर के अपना पिता यानी कि सूर्यदेव के पूजा अर्चना करें उनके आराधना करें। ये चीज़ के शुरुआत ये आस्था के शुरुआत वही समय से भइल रहे कि हमन के कमर भर पानी में हमन का व्रती खड़ा होकर के सूर्यदेव के शाम के और सुबह पूजा करे ली। तो प्रेम से बोली सूर्य भगवान की, प्रेम से बोली छठी मैया की जय। तो चलिए मंच पर बुलावे जा रहा बानी एगो और सुरीला गायक के जेकर नाम बाटे विकास सिंह। जय हो, ओहो, देखिए एगो भाव लागल बा ये छठ के महापर्व पे, एगो औरत अपना पति से कैसे कहतिया और कोना भाव में कहती भैया हो। जय हो, ओहो, लादी न फलवा कल चुप दौड़ा कोसी हम भर पिए हो सैया, लादी न फलवा कल चुप दौड़ा कोसी हम भर पिए हो सैया, असो छठ हम सासु संगे करब ए हो सैया, असो छठ हम ननदो संगे करब ए हो सैया, लादी न फलवा कल सुप दौड़ा कोसी हम भरब ए हो सैया, लादी न फलवा कल सुप दौड़ा कोसी हम भरब ए हो सैया, असो छठ हम सासु संगे करब ए हो सैया, असो छठ देवा रानी संगे करब ए हो सैया। जय हो, ओहो, जय हो, जय हो, दिया दियो। और अपना राजा जी से कह दिया और कैसे कह दिया, पियारी चढ़ाई हम पियारी पहिर के, अर्घ देवे खातिर दुधवा कही दियहिर के, हो पियारी चढ़ाइब हम पियारी पहिर के, अर्घ देवे खातिर दुधवा कही दियहिर के, भूखे पिया से जाइब घटिया भले कठिन परब ए हो सैया, भूखे पिया से जाइब घटिया भले कठिन परब ए हो सैया, असो छठ देवा रानी संगे करब ए हो सैया,
असो छाट हम सासु संगे करब ए हो सैया जय हो और का कहती अंत में औरत अपना सैया से अपना राजा से कैसे कहती है उखिया पान नरियर लेके आई बकसर से अनानास से ओ संतरा आजा शहर से ए हो उखिया पान नरियर लेके आई बगसर से अनानास से ओ संतरा आजा शहर से सोनू सरगम विकास के कने बहनी हम धरब ए हो सैया अखिलेश कश्यप विकास के कने बहनी हम धरब ए हो सैया असो छठ देवा रानी संगे करब ए हो सैया असो छठ हम सासु संगे करब ए हो सैया असो छठ देवा रानी संगे करब ए हो सैया असो छठ हम ननदो संगे करब ए हो सैया विकास सिंह के अद्भुत गायकी के बाद तो वक्त हो चुकल बटे एगो छोटा सा ब्रेक के लेकिन हम जाना तानी कि ब्रेक के जब हम नाम लेता नहीं रहुआ सब एकदम खून खौल जाता टे कितना बढ़िया भक्तिमय कार्यक्रम होता टे और यश कुमार के ब्रेक के ब्रेक लागल बटे तो ठीक बटे भैया लोग रहुआ सब बैठल रही और ब्रेक की पहले हमें गौरी सिंगर के बुलाओ तानी रहुआ सबके एगो भक्तिमय गाना दिखावे खातिर गाना सुनावे खातिर और सिंगर के नाम बटे ब्रिजेश सिंह बोला बोला छठी मैया की क्या बात है क्या बात है रोज ताऊ गत रहस करा है बोला तू देरी आज कैले बाड़ा काहे रोज तऊ गते रहस कराहे बोला तू देरी आज कैले बाड़ा काहे कितनी दिन से भूखल तिवई देख तारी बार कितनी दिन से भूखल तिवई देख तारी बार कहाँ बिल मवला दीना ना थौग पाता ना के घाट कहाँ बिल मवला दीना ना ते उगया रखे घाट क्या बात है जय हो लाखे पढ़ा जहो जय हो छठी मैया क्या बात है तू नींद अब खोला पलक हो खाली देखाव तू अपन झलक हो क्या बात है तूरा तू नींद अब खोला पलक हो खाली देखाव तू अपन झलक हो कि करे लियर जीती वही जोड़ी दुनुहा कि करे लियर जीती वही जोड़ के दुनुहा
कहाँ बिल मवला दी नाना सर के घाट कहाँ बिल मवला दी नाना सराम घाट जय हो जय हो छठी मैया क्या बात है रथवा चढ़ल तू गगन मुस्कई त कैया के दूध के रख ले बे क्या बात है रथवा चढ़ल तू गगन मुस्कई त कैया के गोदे रख ले बे खाड़ा विधाता जल में बरजस के साथ खड़ा बापी धाता जल में बरजस के साथ कहाँ बिल मवला दीना नाथ उगो दीनारा के घाट कहाँ बिल मवला दीना नाथ उगो धनसोई के घाट रोज तऊगत रहस करा है बोला तू देरी आज कैले बाड़ो काहे जय हो रोज तऊगत रहस करा है बोला तू देरी आज कैले बाड़ काहे कि दिन दिन से भूखल तिवई देख ताड़ी बार कि दिन दिन से भूखल तिवई देख ताड़ी बार कहाँ बिल मौला दीना ना उग बिहिया के घाट कहाँ बिल मौला दीना ना उग बगा सर के घाट कहाँ बिल मौला दीना ना उगया के घाट कहाँ बिल मौला दीना ना उगा है ठुआ के घाट बोला छठी मैया की महापर्व छठ के कहानी लेके आ रहल बानी गाना जू ठरले हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटावा चढ़ो हो कि कैसे कैसे ना दरस दिखाई है दीनानाथ 11 नवंबर से सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डिसंबर ब्रेक के बाद स्वागत बाटे समस्त भोजपुरिया जहान के ओलोवन के खास कार्यक्रम जौन ढिशुम लेकर के आयल बाटे वो खास कार्यक्रम के नाम बाटे वही का बयार पर रहल बाटे पिछला तीन दिन से जौना के नाम बाटे दरस दिखाई है दीनानाथ दरस दिखाई है दीनानाथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के एक से बढ़ के एक सुरीला सिंगर लोग आयल वालो गायक लोग आयल वालो जौन छठ माई के पौराणिक कहानी से भी रिलेटेड गाना आजकल के हिंदी फिल्म के तर्ज पर बनल महिमामयी गाना इस सबसे आप सबका मनोरंजन कर रहल बा लोग बहुत सारी लोग कहानी के अपनी गाना के माध्यम से रहुआ सबके दिखा रहल बा लोग और छठी माई के कहानी के बारे में कहा कहीं भैया हमरा के तो परसादिये से बड़ा मन मजा आवेला हम तो इंतजार करें नहीं कि कल सवेरे को अर्घ दिला के बाद परसादी मिले हमको वो बड़का नींबूया होला जौना के का कहल जाला मिठका नींबू कहल जाला ओकरा के फिर अनानास होला जौना के अंग्रेजी में पाइनएप्पल कहल जाला सेव होला पुआ ठकुआ होला जौन घीव में बनावल रहेला ओकर हमार दिमाग और हमार ध्यान जब आज भी अगर हम छठ पर जानी तो गाँव में रखल लो जन छोगो हम उखिया लेके जानी जा गन्ना भैया वो छठी माई के प्रसाद वैसे तो हमन के रोज ऊँख चूछे नहीं जा ऊँख खैला का गन्ना खैला का मजा अलगे होला लेकिन छठी माई के प्रसाद के रूप में जौन गन्ना मिलेला ओकर महिमा अपरम्पार होला है भैया तो ये महिमा जौन बाटे चलत रही एक से बढ़ के एक महिमा रहुआ सब सुनब एक से बढ़ के एक गाना सुनब तो वही गाना के आगे बढ़ावे खातिर हम बुला रहल बानी मंच पर सबका चहेता सिंगर गुंजन सिंह देखिए गो लैका छठ के पावन समय में अपना बाबूजी से कहा था बुलावा था
और का कहा था भैया ने सुन कि जहिया से गईला पापा चिट्ठी न भेजला हा घरवा दुआर तू त कही ऐसे तेजला हा भूखे खाती पर आप कोसी भरतिया हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो जहिया से गईला पापा चिट्ठी न भेजला घरवा दुआर तू त कही ऐसे तेजला भूखे खाती पर अब कोसी भरा दिया हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो बाबूजी माई राह जोहत दिया आप नहीं आएंगे तो छठ कैसे हो कैसे कहा था भैया असरे में बिया माई माना हमर बात हो अरघ देवे जाए के बाद देव मुंगा घाट हो असरे में पिया माई माना हमर बात हो अरघ देवे जाए के बाद देव मुंगा घाट हो भाखल भारा पुराई यह साल हो जल्दी से टिकट लग गया जा तत्काल हो देखा एगो फौजी के लड़का बा कहता दिलावा बधिर कसहु धरतिया हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो पापा कब आइबा पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो लड़का कहा था कि आप नहीं आएंगे तो हम तो छोटा है कैसे होई छठ की बरती के लाई फल फलहार बाजार जाके कहा था भैया देखी कौना भाव में जाई के बाजारे लावे फल फलहरिया मथा पे लेके जाई के हो दौरिया
जाई के बाजारे लाबे फल फल हरिया मथवा पे लेके जाई के हो दौरिया सब केहू करा तब तोहरे इंतजार हो सरे में बाबे बाबा पूरा परिवार हो बेरी बेरी गुंजन मनस कहतिया हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो पापा कब आइबा हो पापा कब आइबा बोला अपना घर हो माई छठ करातिया हो जय हो जय हो गुंजन सिंह के शानदार प्रस्तुति के बाद अब वक्त हो चुका बाटे एगो छोटा सा ब्रेक का कहीं मत जाए बना लही हमन के संग और देखत रही रहुआ सबके भक्तिमय प्रोग्राम जौना के नाम बा दरस दिखाई है दीनानाथ महापर्व छठ के कहानी लेके आ रहल बानी गाना जुठर ले हो कि कैसे कैसे ना मैया के रोटावा चढ़ो हो कि कैसे कैसे ना दरस दिखाई है दीनानाथ 11 नवंबर से सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डिशम पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ सबके और रहुआ सब देख रहल बानी हमके पता बाटे रहुआ सबके एकदम दिल लाग गेल बाटे प्रोग्राम में रहुआ सब चाहो पिए ना याद हो कब एकदम लग में बैठल हो कब कि कहीं एगो भक्तिमय गाना रहुआ सबसे मिस ना हो जाओ हमहू नहीं कि मिस करत जैसे स्टेज से जाता नहीं बैठ के साथ है मैं देखा था नहीं भैया कहाँ से कि एक से बढ़ के एक भक्तिमय गाना के कार्यक्रम चल रहा बा भैया देखी देवी देवता का जौन आस्था बा हमन के अंदर ये सिर्फ हमन के अंदर ना हिंदुस्तान के सरजमी के हिंदुस्तान के पृथ्वी के हिंदुस्तान के जमीन के हमन के शुरू से ही देवी देवता के जमीन कहल जला भगवान राम हिंदुस्तान में जन्म लेने भगवान श्री कृष्ण ईजा जन्म ले ले हवा परशुराम जी जन्म ले ले हवा मतलब देवी देवता लोग हिंदुस्तान की सरजमी के हिंदुस्तान की पवित्र धरती के इतना प्यार करे लालो कि मानव रूप में भी जन्म लेबे खातिर ही जावे लालो ये कहानी हमन के हमेशा हमन के पुराण में पढ़ ले हैं जा हमन के ग्रंथ में पढ़ ले हैं जा लेकिन अगर हमन के साक्षात तौर पर देखल जाओ तो एकमात्र देवता ऐसन बाने जिनका नाम हवे सूर्य देव यानी कि देवता अगर देवता के रूप में हमन के रोज सुबह सुबह साक्षात केहू के दर्शन करें जा तो एकमात्र देवता हमन के सूर्य देव हम जन सुबह सुबह पूर्व दिशा से निकल करके दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि बंदे कर्मठ बनो अगर आप कर्मशील व्यक्ति हैं तो जिंदगी में कभी भी निराशा आपके हाथ नहीं लग सकती है तो ऐसे सूर्यदेव को यश कुमार का और समस्त भोजपुरिया जहान का प्रणाम है प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय तो चलिए मंच पर अब मैं अगले गायक को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिस गायक का नाम है विशाल गगन जय हो छठी मैया आप सब तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हम भोजपुरी गायक और अपना पूरा टीम के तरफ से और अपना आदि शक्ति कंपनी के तरफ से इस छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं यही तरह आप सबके जिंदगी में खुशहाली आवत रहो और आप सब हमने के प्यार देते रहे जय हो छठी भैया जय हो मनोज बाबा जोड़ा नहीं है वाह माई के उछी रे अररिया गंगा माई के उछी रे अररिया बरती करे दीपुका बरती करे दीपुका दी ही ए दीना ना
सविका गंगा माई के उछी रे आररिया बरती करेली पुकार बरती करेली भैया विशाल गगन के गाना से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए पूरा भोजपुरिया जान मंत्रमुग्ध हो गए तो चली लगे हाथ है मंत्रमुग्ध होके खातिर गौरी हम सिंगर को बुला लेता नहीं गौरी गायिका को बुला लेता नहीं कहां से हमको मालूम बक रहे हुआ सब इंतजार कर रहा बानी तो ताली के साथ स्वागत करें रानी ठाकुर
एक जानी अपना राजा जी से कह तरी का कह तरी अभे बाबा छठ घाट जाइब हम हो छठ घाट जाइब हम करम सु छठिया ले ले सैया जी बजरिया से उठिया ले ले सैया ¡Gracias!
वक्त हो चुकल बाटे एक बार फिर से रहुआ सबसे विदा लेबे के। हमरो मन ना करे भैया, इतना बढ़िया जब भोजपुरिया जहान के सामने चाचा चाची और देखा दादी बैठल बढ़िए भैया, एकदम टुकुर टुकुर बैठ के देखत रहा तड़ी, तो इतना बढ़िया परिवार के, इतना बढ़िया भोजपुरिया समाज के छोड़ के जाए चाहिए भैया। यश कुमार तो कभी ना चाहे ना आप सबसे विदा होकर, लेकिन का करी वक्त मजबूर कर देला। लेकिन ये वादा के साथ जा रहा बानी कि हम कल सवेरे फिर आई 8 बजे आप सबके पास, और शाम के 6 बजे कल यानी कि छठ के मेन दिन हमके उम्मीद बटे के रहुआ सबे जैसे 3 दिन अपन प्यार देनी है, चौथा दिन भी ऐसे ही टीवी खोल के बैठल रहब ढिशुम के साथ साथ हमरा के देखब अपन खास प्रोग्राम में जौना के नाम बाटे दरस दिखाई है दीनानाथ। लेकिन हम गैले से पहले आप सबके एगो और बात बता देता नहीं कि हम इन्हें जाता नहीं हनिया से एगो सिंगर को बुला लेता नहीं, ताकि ये प्रोग्राम के आज के दिन समाप्त कैला से पहले एगौरी भजन एगौरी गीत आप सब खातिर प्रस्तुत कर जाओ।